अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे उपमा। तो सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे एक कप सूजी। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद इसमें आधा चम्मच घी ऐड किया। अब हम इसे लो फ्लेम में भूनेंगे जब तक अच्छी से खुशबू ना आ जाए। सूजी भून गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। वापस से पैन चढ़ाया है, इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच घी। और अब हम यहाँ पे मूंगफली को भूनेंगे। साथ में ऐड किया 4 से 5 काजू और इसे भी हम साथ में भून लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम पैन में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, साथ में डालेंगे एक चम्मच चना दाल और आधा छोटा चम्मच उड़द दाल। फ्लेम को एकदम लो पे रखना है और हल्के से इसे सेक लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई और साथ में डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। मिलाएंगे। अब ऐड करेंगे बारीक कटी अदरक और करी पत्ता। अब हम सारी चीज़ों को लो फ्लेम में भूनेंगे। इसमें अब हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब हम इसे हल्का सा भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम ऐड करेंगे मटर, साथ में ऐड करेंगे बारीक कटी हुई गाजर, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून चीनी। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम भुने हुए सूजी को ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो पर रखना है और सूजी को सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए एक बार भून लें। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। 1 कप पानी के लिए 2.5 कप पानी लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्जियाँ भी ऐड किया है तो उसे भी पकने में टाइम लगेगा। फ्लेम को लो पे रखेंगे और 2-3 मिनट के तक इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स न पड़े। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने देंगे। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे देखिए सारा पानी सूख गया है, तो हम मिक्स कर लेंगे एक बार। फ्लेम को लो पर रखेंगे और ये फिटी हुई दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो मूंगफली और काजू फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे और हरा धनिया ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे, ढक देंगे, 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे उपमा थोड़ी सी सेट हो जाएगी। और इधर मैंने नारियल और मूंगफली का चटनी बनाई है जो उपमा के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। इधर देखिए 5 मिनट हो गया था, वापस से इसे मिक्स कर लेंगे और जैसे ही मिक्स करें ना, उपमा एकदम खिले खिले तैयार हो जाएगी। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कैसे लगे मेरा रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।